हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जो कि 2022 में ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर स्टूडेंट के लिए जो कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑफलाइन देने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। कुछ बातें कि आपका जो बुक का नाम है वो है भारत सरकार और राजनीति, इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपकी बुक का नाम है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में से ही आएंगे। ठीक है, जो आपके बुक्स के चैप्टर हैं उनका जो मेन टॉपिक होगा कोई, उस टॉपिक के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता क्या है, भारत में सांप्रदायिकता के कारण पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि सांप्रदायिकता क्या है। पहले पॉइंट में ये क्वेश्चन आपका, अगर आपका 75 नंबर का होता है तो कम से कम 18.25 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 18.25 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इसको इतने बड़े पैराग्राफ में तो लिखना ही है कि आपका 18 नंबर का लगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पॉइंट में आपको बताना है सांप्रदायिकता क्या है 9 नंबर के अराउंड, और फिर दूसरे पॉइंट में आपको बताना है भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या है। सिर्फ कारण बताने हैं और उन पर आपको चर्चा अगर आप वर्णन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कारण को ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, कांग्रेस प्रणाली की व्याख्या कीजिए, उन कारकों पर चर्चा करें। ठीक है, तो कांग्रेस की क्या प्रणाली है इसके ऊपर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद उसके क्या क्या कारक हैं इसके ऊपर आपको वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, राज्यसभा की रचना और कार्यों का वर्णन करें, राज्यसभा की रचना किस प्रकार होती है। ठीक है, उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, सदस्य किस प्रकार चुन के आते हैं इसके ऊपर बात करनी है। फिर उसके क्या क्या कार्य है, राज्यसभा क्या क्या कार्य करता है, साथ में उसके साथ इसके साथ लोकसभा के संबंधों का विश्लेषण भी करना है। ठीक है, तो राज्यसभा के लोकसभा के साथ किस प्रकार के संबंध हैं इसके ऊपर आपको प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स, प्रॉपर आंसर्स आपको जल्दी हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस ही लाया हूँ, तब तक आप भी इनके आंसर ढूंढिए और प्रॉपर आंसर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्ति, कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना किस प्रकार होती है, उसके जो जजेस हैं आप कह सकते हैं जज, उनके चुनाव किस प्रकार होते हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो किस प्रकार अपना कार्य करता है और वो कार्य की क्या प्रक्रिया है, ये सब आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के योग से उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण युग तक भारत के विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया भारत ने उसके बाद, तो उसके क्या बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण के युग में भी भारत का क्या विकास प्रक्रिया आपको वर्णन करना है कि विकास प्रक्रिया किस प्रकार की है और किस प्रकार विकास प्रक्रिया चली, शुरुआत में किस प्रकार की थी, बाद में उसकी प्रक्रिया में आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई, विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा कि भारत में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपके चैप्टर में ये वाला जो चैप्टर है मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग, ये वाला क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है इसको आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तैयार करिए। ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार ये अलग अलग कार्य करते हैं, कि इनका संबंध कहाँ पे है और इनमें विभिन्नताएं आप कह सकते हैं किस किस क्षेत्र में विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, आलोचनात्मक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था राजनीति और समाज पर उदारीकरण और निजीकरण के प्रभाव को जांच कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, निजीकरण और उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर, भारत की अर्थव्यवस्था राजनीति और समाज पर
उदारीकरण और निजीकरण के क्या प्रभाव पड़े, उससे कितना आप कह सकते हैं फ़ायदा हुआ, किस प्रकार की चेंजेस आए देखने को मिले, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म निरपेक्षता शब्द से आप क्या समझते हैं। पहले पॉइंट में आपको ये बताना है धर्म निरपेक्षता शब्द, भारत में धर्म निरपेक्षता का प्रमुख बहस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भारत में जो धर्म निरपेक्षता के ऊपर बहस है, आप कह सकते हैं कि अगर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग आप कह सकते हैं थॉट्स हैं धर्म निरपेक्षता के रिगार्डिंग, तो आखिर वो किस प्रकार के थॉट्स हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के अपना वर्णन करते हैं धर्म निरपेक्षता के बारे में, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है जाति और राजनीति के बीच संबंधों का गंभीर विश्लेषण करना है। ये वाला क्वेश्चन भी इसके डिफरेंट में भी पूछा जा सकता है, जाति और संबंध के बीच में संबंध या फिर विभिन्नताएं बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इस वाले क्वेश्चन में, जाति और राजनीति के बीच में क्या संबंधों का गंभीर विश्लेषण करना है, क्या संबंध है जाति में और राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने को मिलेगा, भारत में महिलाओं के आंदोलन के विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भारत में जो महिलाओं के लिए आंदोलन हुए या महिलाओं के द्वारा किए गए आंदोलन पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका और स्थिति की गंभीर मूल्यांकन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल एक ही चीज़ बतानी है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार चुना जाता है, कहाँ से किस प्रकार राष्ट्रपति बनता है, ये सब आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, वो आता है भारत में पार्टी प्रणाली के विकास और बदलते स्वरूप का पता लगाइए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत की जो पार्टी प्रणाली है, ठीक है, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो भारत में पार्टियां हैं उसकी जो प्रणाली है वो किस प्रकार विकास के रूप में बदलती दिखाई दे रही है, उसका विकास किस प्रकार हुआ और उसका बदलता हुआ स्वरूप क्या है, ये आपको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, आपको मतलब प्रॉपर आंसर देना है कि किस प्रकार इनमें विकास हो रहा है और किस प्रकार ये बदलती जा रही हैं, इनके जो शुरुआत में जब ये प्रणाली आई थी उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी और आज किस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये कुछ 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं या फिर आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं जिनके रिगार्डिंग या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 2022 में होने वाले ऑफलाइन एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, लिखित में तैयार करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना जल्दी हो सकेगा इनके आंसर्स आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हर उस ग्रुप में जिसमें आप हैं हर ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करें, जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतनी ही जल्दी हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 2 लिंक्स दिए गए हैं, टेलीग्राम के और ब्लॉग स्पॉट के, आप वहाँ पे जाके हमारे ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जरूर, वहाँ पे आपको जितने भी हेल्प है वहाँ पे आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।